ले भाई आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गोलगप्पे वाले भाई के साथ। कितने रुपए का ये गोलगप्पे और बर्गर बनवा रहे हैं कविता जी के लिए। देखो भाई आग जल रही है शाम के टाइम, क्योंकि भाई आज मैं नहाया नहीं हूँ, अभी नहाऊंगा। अब नहाओगे? हाँ। स्वाद थे बर्गर गोलगप्पे जदे सीसी करेंगे। क्या है? ये देखो मैं इस तरह रहा है। अरे इसने हाथ में पकड़ लिया, मैं या पकड़ लिया हाथ में कि मैं कौन है क्या? देख इसको भाई सुंडी है। प्लीज बाहर कर दे इसे। थैंक यू। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई सब? हमारे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी बजे हुए शाम के 8 और मैं बना रही हूँ रोटियां। रोटियां और साथ में ये क्या? दूध। दूध गर्म हो रहा है। हाँ, ले सब्जी दिखाते हैं मेरे को। सब्जी? हरी सब्जी बनाई है। हरी सब्जी? किस चीज की सब्जी है? गंदड़ की। अच्छा जी भाई, यहाँ पे कविता जी खाना बना रही हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सब? ये देखो भाई अपना व्लॉग के व्यूज देख रही है और कमेंट्स पढ़ रही है और साथ में चाय पी रही है। ये देखो उल्टी पढ़ाई। लोग कमेंट आ गए उल्टी गुड न्यूज आ रही है। ये आज इनकी तबीयत खराब थी। कैसी अभी? ठीक है। जमा ठीक तो कौन है नी? तो भाई अभी थोड़ी देर छत पे आए हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। अभी कैसी है तबीयत? ठीक है। ठीक तो नहीं है भाई। और इनको मैं बताता हूँ आपको क्या हो गया था। थोड़ा जुकाम था, सर्दी थी और उल्टी जैसा फील भी हो रहा था। और ठीक तो भाई अभी हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल की क्लिप मैं नहीं बना पाया और बनानी भी नहीं थी क्योंकि उससे थोड़ी सी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। लेकिन और भाई अभी डॉक्टर से दवाई वगैरह लेके आए हैं तो अभी लगभग ये ठीक है। दवाई दी है डॉक्टर ने 5 दिन की, तो अभी इनका रेस्ट चल रहा है। तो और क्या कहना चाहोगे? आज व्लॉग नहीं बनाया आपने? मैं कहता ऐसी हालत में व्लॉग थोड़ी बनता है। ऐसी हालत में व्लॉग थोड़ी बनता है। ना जी कोई बात नहीं, रेस्ट ज़रूरी है और व्लॉग तो मैं भी बना लूँगा। अभी भाई छत पे आए हैं, ये हमारी छत है देख सकते हैं आप। और कविता जी को थोड़ी सा घुमाने के लिए, क्योंकि आज ये पूरा दिन पे बिस्तर पे थी तो भाई रेस्ट ज़रूरी है। और भाई डॉक्टर ने इनका सुहा ला दिया, ज़्यादा रोने लग रही है बेचारी। अरे ना कोई बात नहीं। ना कोई बात नहीं, सुहा ज़रूरी है। मेरा लग गया था जब तू भी तो आता थी। ना ना कोई बात नहीं। हंसी मजाक जरूरी है, बुरा तो नहीं माने? मानियो भी ना। ये भाई देखो हमारे सामने लग रहे हैं कच्चे कच्चे केले, खाने अपना। ये भाई कच्चे केले की सब्जी बनाती है, बहुत टेस्टी सब्जी बनाती है ये कच्चे केले की। और एक बार भाई परसों की बात है, ये छोटा सा गेट है, ये मतलब ताऊ का वो है, ये बाग सा पूरा, तो इसमें केले अमरूद दोनों चीज़ लग रही हैं। तो भाई हमने पूछा अंकल जी तक कि भाई केले दे दोगे के? अंकल जी वो तो साफ ही नाट गए। भाई वो साफ नाट गए। फिर के फिर क्या, पैसे में बोलना था मैंने उनको, पैसे में दे दो करनी है। तो फिर क्या हुआ? मैंने बोला अंकल को, अंकल पैसे में दे दो। तो भाई पीछे लिए बुढ़े अंकल ने कच्चे केले के।
इतने तो मेरे ख्याल में बाजार में तो लेंदे वे सस्ते पड़ दे अपना नहीं फिर क्या हो गया 5-10 रुपए और फल तो लग गया हां बाकी बाजार दूर भी है थोड़ा एक भाई मेन रीजन है इनको जुकाम भी हो रहा है सुनता हूं आपने एक बार करके दिखा दो यह चीज तो भाई कल रात तक है क्योंकि इनने कुछ ठंडा खा लिया था जाते इनका जुकाम हो गया उसके कारण आवाज चेंज हो रही है आवाज चेंज पूरी है नु लागे तो इनको मानस बोल और भाई अभी शाम का टाइम है अभी इस वीडियो को थोड़ी देर में कर देंगे एंड क्योंकि ये फिर वीडियो एडिट करके यानी अभी 4 या 5 बजे हुए हैं और 1.5 घंटे में एडिट हो जाएगी तो फिर ये आपको मिल जाएगी 7 या 8 9 इनके बीच में शाम को अपलोड करने लगे इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि शाम को ऑडियंस रिटेंशन मेरे चैनल का ज़्यादा आता है तो इसीलिए शाम को वीडियो अपलोड करते हैं यही बात है जो भी आप बोलो भैया आज इनकी टेक्निकल वीडियो शूट करनी थी वो नहीं हो पाई क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है ना यही बात है बाकी ये बैकग्राउंड था आज की वीडियो का यहाँ पे वीडियो शूट करने वाले थे क्योंकि यहाँ पर लाइट का पूरा प्रबंध है आसमान की तरफ से तो भाई इनको उल्टी आई थी इसका रीज़न वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं अभी काफ़ी लोग इनकी उल्टी को देख के कुछ गलत कमेंट्स ना करें क्योंकि इनकी उल्टी हुई है सिर्फ फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ खाने पीने में बदलाव होता है तो उल्टी गिर गई इनके लिए इसीलिए और इनकी तबीयत तो बस इसीलिए ख़राब है और कुछ ऐसा वैसा नहीं है हाँ जी हाँ भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं है आप कृपया गलत कमेंट ना करें चुपचाप ले ले ना एक बार लेके दे सही जाओगी आधी आधी में असर को नहीं होगा अच्छा हाँ। जाओ तो एक फिर ना आधी आधी का न्यारा फर्क हुआ है इतने सारे बोले कितने सारे दीजिए या तो बहस ने देने वाली है दर्द ही ना थोड़ा ना सीधी लेके दिखा ना कुकर ले हुई सीधी लेके इतना बड़ा मेरा गला कौन है ले फिर तोड़ो फोन पर टूटे क्यों नहीं हम दम ही क्यों नहीं ले दम की बात करे तो कर दिए दो टुकड़े ले चटक दे सी ले जा सोरम भी ना आना देगी भी गोली थी क्यों का उल्टी पड़ेगी क्या पड़ेगी उल्टी पड़ेगी दूसरे ले जा चटक देसी फटक देसी सोरम भी नहीं आने चाहिए कि भी आत्मा गोली भी थी के वाह भी वाला डे तने सारे काम कर दे अमित बोस भाई का डायलॉग भाई अमित बोस भाई लीजेंड है लीजेंड उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता क्यों बिल्कुल उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अभी तबीयत कैसी है अभी ठीक है ओके रिपोर्ट नहीं ओके तो नहीं है लेकिन लेकिन फिर वो है गोली वगैरह ले लिया तो ठीक हो जाऊंगी और बस ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बाय बाय